सम्मान में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं देखिए आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ लौकी आलू का दम। दम तो आप लोग बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन मैं आज बनाने जा रही हूँ लौकी आलू का दम। जो बच्चे लौकी नहीं भी पसंद करते हैं, जो नहीं भी खाना चाहते हैं लौकी, वही सब्जी आराम से खा लेंगे और बहुत अच्छी, बहुत स्वादिष्ट और बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है और जल्दी बनने वाली सब्ज़ी है, झटपट बन गए कोई झमेला। इसलिए देखें मैं ली हूँ लौकी को, हाफ किलो के लौकी, उसको मैं छील करके बड़े बड़े पीस में काट के रखी हूँ। जो छोटा छोटा नहीं काटना है, बड़े बड़े पीस में काटता है। और आलू पाँच छः आलू मैं ली हूँ, तो दो टुकड़े में काट करके जैसे आलू दम में डालते हैं उस तरह से। उसका पेस्ट बनाने के लिए देखें दो प्याज रफली में काटी हूँ, छः सात लहसुन की कलियाँ हैं, एक इंच अदरक और एक छोटा सा टमाटर। छौंक के लिए देखें जीरा, तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्च, दो टुकड़े दालचीनी के, दो तीन लौंग, सूखे मसाले पाउडर। बस ये सब चीज़ों से मैं बनाऊंगी ये सब्ज़ी, जिसमें सरसों तेल देखिए मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ। ये सब्ज़ी सरसों तेल में अच्छी लगती है। सबसे पहले देखिए मैं तेज़पत्ता डालूँगी, पत्ता के बाद देखिए मैं डालूँ सूखी लाल मिर्च, दो टुकड़े दालचीनी, तीन चार लौंग, जीरा का छौंक, उसके बाद मैं डाल दूँगी आलू। आलू को पहले भूनना है, लौकी डालने से लौकी में पानी छोड़ देगा, इसलिए पहले आलू को भूनना है। उसके बाद मैं एक चम्मच हल्दी डाल दूँगी, मैं देखिए प्याज टमाटर ये सब का पेस्ट बनाऊंगी। पेस्ट बना करके भून करके उसके बाद फिर प्याज लहसुन अदरक टमाटर का पेस्ट मैं तैयार करके ले आई हूँ। अब देखिए इसको मैं ढक्कन खोल करके देख ले, इसका ये पेस्ट को डाल दूँगी पहले। उसके बाद कटे हुए लौकी को डाले, लौकी पहले डालते हैं जैसे पानी छोड़ देगा कि मसाला भूनने में नहीं बने। ये बड़े बड़े पीस काटना है लौकी का। मैं नमक डाल दूंगी देखिए एक चम्मच, जैसा आप नमक खाती हूँ वैसा डालिएगा। तो सारा सूखे मसाले में सब डाल दूँगी। एक चम्मच देखिए तीखी लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च और दो चम्मच धनिया पाउडर। देखिए ढक्कन खोल के मैं देख रही हूँ, अब अच्छी तरह से सब्जी भून गया। देखिए लौकी अब पानी छोड़ने लगे, अब मैं इसे कुकर में डाल के दो तीन सीटी लगाऊँ। पेस्ट तैयार की थी वही पानी मैं इसमें डाल दूँगी। तीन सीटी देखिए लगाना है इसमें। देखिए कुकर खोल कर मैं देख रही हूँ,
अब सब्जी देखो अच्छी तरह से गली है। हमें इसमें गरम मसाला डालना है, फिर चूल्हा में ऑन करके कढ़ाई में डाल देती हूँ, गरम मसाला डाल दी, अच्छी तरह से गल गया पूरा आलू लौकी दोनों। गरम मसाला का पाउडर छोटा चम्मच से एक चम्मच डाल दूँगी, ये तो बिल्कुल लास्ट में डालना गरम मसाला। ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ाई करना है, थोड़ा देर 5 मिनट उबलने के बाद मैं इसको चूल्हा को ऑफ कर दूँगी। अब देखिए सब्जी बिल्कुल एकदम बन करके रेडी है, 2-3 मिनट हो गए गरम मसाला डाले हुए, अब मैं चूल्हा को ऑफ कर दे रही हूँ। अब इसको मैं धनिया पत्ता से गार्निश। देखिए लौकी आलू का दम बिल्कुल बन करके रेडी है, देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है। जो बच्चे जो बड़े जिसको लौकी नहीं पसंद है, जो लौकी नहीं खाना चाहते, ये सब्जी आराम से खा लेंगे। आशा करती हूँ आप लोग घर में जब बना कर जरूर से ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर से मैं नए वीडियो लेकर के आपके सामने आऊँगी, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, धन्यवाद।